राजिम कुंभकल्प की तैयारी बैठक को लेकर आज धर्मस्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृज मोहन अग्रवाल राजिम पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र की पहली बैठक में ही राजिम कुंभकल्प करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार राजिम कुंभ को रामोत्सव के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस वर्ष राजिम मेला 24 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। मंत्री अग्रवाल ने गरियाबंद, रायपुर, धमतरी जिलों के अधिकारियों को सम्मान कर 7 दिन के भीतर सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले तैयारियों की कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक बैठक इस बैठक में उपस्थित होगा और ये 8 मार्च तक महाशिवरात्रि तक चलेगा। माघ पूर्णिमा से लेकर यहाँ पर फिंगेश्वर से आते हैं, गरियाबंद से आते हैं, जी सर, तो उन सड़कों के रिपेयर के लिए क्या तैयारी है सर? रिपेयर का चल भी रहा है सर, कार्यक्रम उसको कार्य चल रहा है, प्रगति पर। और उसमें फिर कोई कमी होगी तो 7 दिन बाद हम बैठेंगे। और अभी से आप तैयारी क्या क्या हो गई? अपने हेड ऑफिस से प्रॉब्लम है तो कमिश्नर साहब को बताइए और मुझसे बात कर। देखिए, अब प्रभु राम लला आ गए हैं तो साधु संत भी बड़ी संख्या में आएंगे। ये प्रभु राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है, राम जी यहाँ के भांजे हैं। और इसलिए जब अयोध्या में रामलला के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अब छत्तीसगढ़ का ये राजिम कुंभ कल्प भी भव्य होगा, दिव्य होगा। और साधु संत, महात्मा, शंकराचार्य जी, महामंडलेश्वर सब आएंगे। और क्योंकि समय कम बचा है, हर बार 3 महीने की तैयारी में होता है, इस बार 1 महीने की तैयारी में हम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। अब आप आपको धीरे धीरे जानकारी मिलती जाएगी कि कौन कौन से रास्ते से अब राजिम कुंभ कल्प फिर से कुंभ मेले के रूप में इसकी पहचान होगी। हम विधानसभा का जो पहला सत्र होगा उस सत्र में इसका बिल ले आएंगे।